ये है झारखंड में बसा हुआ पलामू परमंडल। जो सदियों से अकाल, सुखाड़, गरीबी, भूखमरी, पलायन, बंधुआ मजदूरी और खूंखार जागीरदारी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, महाश्वेता देवी जैसी कवियों ने शोषण और जुल्म करने वालों को आदमखोर की उपाधि से नवाजा। इसी शोषण दमन के खिलाफ नक्सलियों का जन आंदोलन खड़ा हुआ। इस आंदोलन के महानायक का नाम है कामेश्वर बैठा। कामेश्वर बैठा ने आंदोलन में शामिल होकर सामंतियों के मंसूबों को चूर चूर कर दिया। सत्ताईस साल तक चले इस जन आंदोलन से सामंती व्यवस्था और उनकी हुकूमत एक एक कर ध्वस्त हो गई। कामेश्वर बैठा ने सिर्फ जन आंदोलन ही नहीं किया, बल्कि गिरफ्तारी के बाद जेल के अंदर अनेकों पुस्तकों का अध्ययन कर चुनाव लड़ा और विजयी भी हुआ। भारत की प्रभुता और अखंडता संरक्षण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। भारतीय लोकसभा सदन में भी गरीब गुरबों की आवाज को शेर की तरह दहाड़ा। गरीब के लिए संघर्ष किया जो बड़े बड़े सामंती हुकूमत के लिए उनके पैरवे तले रोदाते थे, तो लगा कि गांव में ही भ्रष्टाचार है, गांव में ही सामंती जुलूम है, गांव में ही लुटेरे लोग हैं। सदन का अनुभव मिला कि यह सदन है क्या। पिछले सदन से जब लोकपाल जन लोकपाल बिल पर बहस चल रही थी, लोगों को बाहर जब सुन रहा था सरकार की ओर से, जब आंकड़ा पेश हुआ कि विदेश में काला धन 66,00,000 करोड़ रुपया है, विपक्ष की ओर से जब रिपोर्ट पेश किया गया तो 75,00,000 करोड़। बाप रे बाप, हम समझे कि गांव में लुटेरा लोग है, असलत लुटेरा लोग से यहाँ बैठा हुआ है। थर्रा उठी जुर्म की हुकूमत, थर्रा उठी जुर्म की हुकूमत, जन क्रांति की चली बयार, शोषण दमन पर अमन जैन, कामेश्वर बैठा बना लाल तलवार।